हाय एवरीवन, हमने डिसाइड किया है कि हम लड्डू बनाने वाले हैं फिर से इन कनाडा। अभी तक हमने इंडिया में बनाए थे, बट इस बार इंडिया से दूर कनाडा में हम बनाएंगे लड्डू। अभी हम जा रहे हैं बल्कबान। बल्कबान एक ऐसी जगह है जहाँ पे इंडिया में जैसे परचून की दुकान होती है, वैसे यहाँ पे दिस इज कैनेडियन परचून। ओपन में आपको सारा सामान मिलता है, तो हम जितना आपको चाहिए उतना आप ले सकते हो, तो इसलिए हम वहाँ पे जा रहे हैं। और वहाँ पे आटा वगैरह सब कुछ पिसा हुआ और मिल जाता है ऑलरेडी। आटा तो पिसा हुआ ही होता है, मतलब जैसे आपको चने का आटा चाहिए तो वो मिल जाएगा। ड्राई फ्रूट्स, वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स और वो सब आपको पिसे हुए मिल जाएंगे। पिसे हुए भी है, अगर आपको स्लाइसेस जैसे जो होते हैं टुकड़े वाले वो भी मिल जाएगा। हर चीज़ की वहाँ वेराइटी है, आपको वो भी दिखाएंगे। ये हमारे घर के सामने एक बहुत ही सुंदर सी ट्रेल है, यहाँ से हम जाते हैं मॉल में अगर हमें जाना हो तो। एंड आई गेस इट इज़ 2.5-3 kilometers वॉक। तो क्योंकि मैं होती हूँ साथ में, तो इसलिए नवीन को 5 minutes लगते हैं पहुँचने में, अदरवाइज़ नवीन के लिए ये रास्ता 30 minutes का है। ये यूजुअली हमने शुरू इसलिए किया था ट्रेल पे जाना, क्योंकि पहले हम जैसे हम कनाडा में आए तो हमने केक्स एंड कुकीज़ बहुत सारी खाई थी, तो ये हमारे गो टू वो होता था कि यू हैव टू अर्न टू ईट दैट। तो ये हमारा वैसे शुरू हुआ था कि अगर आपको केक खाना है, कुकी खानी है, तो वॉक करते हुए जाओ, क्योंकि 2.5 kilometers अप्रॉक्स है। हाँ। तो जब तक थोड़ी बहुत वो कैलरीज बर्न हो जाएंगी, फिर क्योंकि केक खाओगे तो कैलरीज वापस आ जाएंगी। तो ये ऐसे हमने शुरू किया था, फिर हमें इसमें मज़ा आने लगा क्योंकि ट्रेल बहुत अच्छी है ये। अब ये एक ट्रेंड बन चुका है। यस, तो जैसे हम मॉल जाना होता है तो अब हम वॉक करते हुए जाते हैं। आज 31 degrees टेम्परेचर है, जो कि कनाडा में बहुत ही नॉर्मल बात नहीं है। बट बिकॉज इट इज़ 21st June टुडे, 21st ही है ना आज, जो भी है 21st 22nd। 21st को तो योगा डे भी था। योगा डे है तो मुझे पोस्ट करना पड़ेगा। सर टुडे इज़ 22nd, तो 22nd June, और अब यहाँ पे असली गर्मी स्टार्ट हुई है, तो हम इसीलिए देखो कितनी अच्छी चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है। तो हम प्रॉपर जंगल में से जा रहे हैं। ऐसा जंगल हमने केरला में हम स्पेशली गए थे, पेरियार नेशनल सेंचुरी, ये जंगल देखने। तो यहाँ पे लॉन टेनिस कोर्ट हैं और लोग यहाँ पे खेल रहे होते हैं, वैसे जनरली आज पता नहीं क्यों नहीं खेल रहे। मेन रोड पे पहुँच गए हम और हमें उस पार जाना है। पहले आए हम स्टेपल्स। स्टेपल्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप को जो भी प्रिंट करवाना हो आप करवा सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशनरी। हाँ, स्टेशनरी वगैरह। सो यहाँ से हम कुछ प्रिंट करवाएंगे और फिर हम बल्कबान जाएंगे। वो रहा स्टेपल्स। दोस्तों ये मशीन लगी होती है यहाँ पे, और इसमें आप अपने आप आओ, ये QR कोड स्कैन करो और फोटो निकाल सकते हो। तो यहाँ अवंतिका एक और प्रिंट करवाते हुए, यहाँ प्रिंट करवाने का बड़ा ही सिंपल तरीका होता है, यहाँ पे आपको ये QR कोड दे रखा है, स्कैन करो QR कोड एंड अपना जो भी आपको प्रिंट करवाना है वो अपलोड कर दो, एंड फिर ये एक्सेस कर सकते हैं उसको, एंड दे विल प्रिंट फॉर यू। मेरा बहुत दिनों से मन था हेयर कट करवाने का, तो मैंने हेयर कट भी करवा लिया है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात मुझे लगती है सैलॉन्स की, कि लोग आपको खुद से सजेस्ट नहीं करेंगे कि ये करवा लो मैडम जी, वो करवा लो, आपके बाल ऐसे हो रहे हैं, वैसे हो रहे हैं, जो हम इनको बोलते हैं वही करके देते हैं। अभी स्टाइल नहीं किया है बाल मैंने, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत महंगा है ये है वो है, जितना इंडिया में प्राइस है किसी अच्छे पार्लर का वही प्राइस है यहाँ पे, ठीक है। बस एक कमी है कि ब्लो ड्राई नहीं करते ये फ्री में। जो कि वहाँ पे कर देते हैं। गेटिंग समथिंग टू ईट फ्रॉम टिम हॉर्टन्स। क्यों? मेरे को तो इंडिया की याद आ गई बाल कटवा के। तेरे को हर बात में इंडिया की याद आती रहती है, आनी भी चाहिए वैसे। आज तक वहीं बाल कटवाए ना, तो क्या करें। आज अभी मौसम सही हो गया है, दिन में बहुत तेज धूप। हाँ, अब थोड़ी अब बाहर निकलने लायक मौसम हो गया। हाँ। हम तो निकले हुए हैं, धूप में भी निकले हुए थे। पर अब वापस जाने में मजा आएगा। हाँ, हवा बढ़िया चल रही है। अभी तो हमने बल्क बान तो हम गए नहीं है, जो करने आए थे अभी खा लिया पी लिया।
बाल कटवा लिए, अब चल रहे हैं ना बल्क बांध। अब जा रहे हैं हम अपनी असली डेस्टिनेशन पे, डेस्टिनेशन ऑफ द डे। फाइनली पहुंच चुके हैं हम बल्क बांध, यही वो जगह है जहां हम जाने के लिए निकले थे। ये देखो यहाँ पे ऐसे होता है आटा, आटा नहीं बादाम, क्या ये पिसे हुए बादाम, आटे पिसे हुए बादाम है, पीनट्स, पिस्ताशियो, ये क्या है, ये भी बादाम है विचिल का, ये बिल्कुल पतले पतले बारीक बारीक कटे हुए हैं ऐसे ऐसे उठाना होता है। और ये पॉलीथिन दिए हुए हैं इसको बांधने के लिए, ये क्लिप दिए हुए हैं तो इसमें हम डाल सकते हैं। ये चॉप्ड पीनट्स, पीकन, ये वॉलनट पीसेस, तो हमें शुरू करना, और भी सामान मिलता है यहाँ पे, कुछ कुछ मिलते हैं जो कि मेरे लेने का बहुत मन है क्योंकि मुझे किचन में एक जैसे डब्बे अच्छे लगते हैं बहुत। हमने डिसाइड कर लिया है कि हमें क्या लेना है। सो दिस इज 12 ग्रेन फ्लावर, इसमें डिफरेंट डिफरेंट ग्रेन्स हैं, I don't know. And this is ground almonds. बादाम का आटा, कितना लेना है ये कर ले एक बार चेक करते हैं इसमें। एंड यहाँ पे आप वेट चेक कर सकते हो जो भी आपने सामान लिया है, सो दैट आप पता लगता रहे आपको कि आपने कितना ले लिया। सो यहाँ पे हम चेक करते हैं अभी वेट, तो नियर टू 300 LBS, 0.3 LBS, right? 1 LBS is okay. This is 300 grams. यहाँ पे dog food भी मिलता है, एकदम कुत्ते ताकि तुम्हारे स्वस्थ और तंदुरुस्त रहें। And here we have chocolates. ये बहुत सारी अलग अलग टाइप के chocolates हैं, पर इनमें एक problem है कि इनमें डिब्बे की smell आती है जब इनको खाते हैं, तो so that's why I don't prefer these. मैं दूसरी चॉकलेट्स ही प्रेफर करती हूँ जो जैसे डेरी मिल्क वगैरह जो मार्केट में मिलती हैं। खाना करते मैंने दो चॉकलेट भी ले ही लिए अलग अलग टाइप की, भाई इतनी चॉकलेट्स होंगी तो अपना मन करेगा कुछ ना कुछ लेने का। मेरी मम्मी ने कहा चॉकलेट खाने से दिमाग बढ़ता है। Okay, so now we are heading home. Thank you for watching our vlog this far. और होपफुली आपको एक नई चीज़ के बारे में पता चला है आज, और अब विच इज़ बल्क बांध जहाँ पे खुला सामान मिलता है और आपको जितना लेना हो आप ले सकते हो। एंड नाउ वी आर हेडिंग होम, अपनी चॉकलेट्स रास्ते में एंजॉय करते हुए जाएंगे हम। अब बारी है लड्डू बनाने की, अभी तो हम घर जा रहे हैं, लेकिन आप नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर देखना कि हमने लड्डू किस किस टाइप से बनाए और उसमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स डाले जो कि हेल्दी भी हों। ये बेसिकली हमारा इवनिंग स्नैक की जगह काम करेगा क्योंकि अवंतिका जैसे ऑफिस से आती है तो इसको बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है, तो उस टाइम थोड़े से दूध के साथ ये लड्डू काम आएंगे। इसमें हम ब्राउन शुगर या वैसा ही यूज़ करेंगे सो दैट इसमें अनहेल्दी ज़्यादा चीज़ें ना जाएं। लेट्स सी, कल मिलते हैं आपसे विद लड्डू मेकिंग प्रोसेस। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट्स ऑन आवर चैनल। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।